दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शिफाली, आपका शिफाली एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीजीएस के प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के, ठीक है। ये पार्ट वन है, इसी तरह से हम सीरीज वाइज चलेंगे जैसा कि आपको बताया था। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। और इसके अलावा लाइक कीजिए, और अगर डिसलाइक करोगे तो क्यों करोगे डिसलाइक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो बिना क्लास टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा था अर्लीस्ट इविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। जो अर्ली इविडेंस है एग्रीकल्चर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कहाँ पर फाउंड किए गए, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर टू, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निस्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, ये किसका ऑर्नामेंट है, नेक यानी गले में ये पहना जाता है, ठीक है, ऋग्वेद के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिगार्डेड एज द हब ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हब ऑफ आर्यन कल्चर, जो आर्यन कल्चर का हब था वो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर किससे कौन से उसमें था, तो वो हो जाएगा कुरु पांचाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू टेक इनिशिएटिव फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर फाइव, द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, इस कंफर्म बाय एन इंस्क्रिप्शन, ये किस इंस्क्रिप्शन के द्वारा कंफर्म किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, अशोक के इंस्क्रिप्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्त, उनमें से कौन सा वो गुप्ता किंग है जिसका दूसरा नाम क्या है, देवगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त टू, इसका दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है, देवगुप्त, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और जो है नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, कुमार देवी अ क्वीन ऑफ गोविंदा चंद्र गहाड़ वाला कंस्ट्रक्टेड धर्म चक्र जीना विहार एट, कहाँ पर है ये, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। तो कुमार देवी एक क्वीन है, ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़ा वाला। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रीक्वेंटली असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य, चालुक्य में, चालुक्य डायनेस्टी में, ठीक है, हाई रैंक पोजिशन थी वुमेन की एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपका हो गया रिपीट है, और इसके अलावा एक भी मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स इज नॉन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूजिक, कौन सा इनमें से वो राजपूत रूलर है जिसने म्यूजिक के ऊपर किताब लिखी थी, तो उसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभ सी। क्वेश्चन नंबर टेन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज खान, क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें राइट आंसर क्या है, इल्तुतमिश, ध्यान रखना है आपको, चंगेज खान जो है फाउंडर है किसके, मुगल एम्पायर के, द फर्स्ट ग्रेट खान बोला जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर इलेवन, अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटिन्यूइंग लिंक बिटवीन शेरशाह एंड अकबर इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो शेरशाह और अकबर के बीच में जो लैंड रेवेन्यू है, आपको पता ही अकबर के नौ रत्नों में से एक कौन था, टोडरमल, जो कि लैंड रेवेन्यू यानी रेवेन्यू से रिलेटेड वो संभालता था डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विद विच मिडिवल रूलर वुड यू एसोसिएट द स्टेटमेंट आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडल हैंडफुल ऑफ माइट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा वो रूलर था जिसने स्टेटमेंट दिया आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ माइट, तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वीडियो को पोस्ट करके खुद से आपको आंसर जरूर लगाना है और फिर उसके बाद देखना है, वरना ऐसे खाली वीडियो देखोगे तो मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ ऐसे कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह, शेरशाह ने बोली है ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 13, द मराठा किंग बिकेम ए नो एंटाइटी एंड द पेशवा वर्चुअल रूलर फ्रॉम द टाइम ऑफ, इसमें कौन है, बाजीराव टू, सॉरी बाजीराव वन। क्वेश्चन नंबर 14, थॉमस रियो वॉज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट, तो इसमें कौन हो जाए, क्या हो जाएगा, आगरा, आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर थॉमस रो जिन्होंने इसे भेजा था, एक ऑफिशियल एम्बेसडर जिसका नाम था जेम्स
वन, ठीक है, उसके द्वारा ये भेजे गए थे। कौन था? सर थॉमस रॉय। और कब आए थे ये? 1615 में जहांगीर के दरबार में। ध्यान रखना है आपको, ये एक ऑफिशियल एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मास्टर्ड बाय औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। देखो ये तो 2010 में भी ये क्वेश्चन था और यहाँ पर फिर बिल्कुल यही सेम एज इट इज ये रिपीट हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर वीकनिंग द लेटर्स पोजिशन अगेंस्ट द राजपूत? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? अकबर। क्वेश्चन नंबर 17, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड? इनमें से पहला कौन सा वो यूरोपियन था जो कि भारत आए थे व्यापार करने के लिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन थे पोर्चुगीज। सबसे पहले पुर्तगाल ही आए थे यहाँ पर। कब आए थे? 1498, या आपको अगर ध्यान हो, ठीक है, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ 1843 मेक इलीगल? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्लेवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम? तो आसाम में जो लीडर थे रेवोल्यूशन के 1857 के उसमें, तो वो कौन थे? दीवान मणिराम दत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद क्या हो गई थी? सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली गई थी? क्राउन के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, पहली इंडियन नेशनल INC की पहली मीटिंग कहाँ पर हेल्ड हुई थी? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, बॉम्बे में। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। और कहा किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, द पेपर इंडियन मिरर वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1861 फ्रॉम? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कैलकाटा। कहाँ पर? कैलकाटा। नेम द ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज पेपर है बेसिकली, इंडियन मिरर वॉज जो पब्लिश किया गया था कब? 1867 से। तो ये कहाँ पर हुआ था पब्लिश? कलकत्ता में ये पब्लिश हुआ था। तो ध्यान रखना है आपने, किसने इसको स्टार्ट किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था और ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी विच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। तो ध्यान रखना किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किसने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था? प्रेस से रिलेटेड था ये, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था ये? लॉर्ड लिटन ने। कब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये इंडिया के वाइसराय थे उस टाइम पर, जिसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 वॉज? ठीक है, सूरत सेशन के जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 में थे, कौन थे? तो आपको बताना है आरबी घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष, इनका पूरा नाम है सूरत सेशन में। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, किसने इसमें इसको स्टार्ट किया था? तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो ध्यान रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? 1905। और ये फॉर्म कहां पर हुई थी? लंदन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर 1918 बाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी वड़िया। क्या हो जाएगा? बीपी वड़िया। क्वेश्चन नंबर 28, हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा
शंकर नायर, ठीक है, शंकरन नायर। तो क्या कब की बात है, जलियांवाला बाग आपको पता ही है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, कौन अपोज कर रहे थे चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा करा गया था, चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमजी रंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमजी रंगा, जिन्होंने अपोज किया था चंपारण सत्याग्रह को। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर पब्लिश्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, उर्दू में, ध्यान रखना है, पहला इशू जर्नल गदर पब्लिश जो कि क्या, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवान, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदी जीवान, इसका ऑथर पूछ रहा है वो, तो इसके ऑथर कौन है, सचिंद्र सन्याल, राइट आंसर है सचिंद्र सयाल। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इसको कनेक्ट करना है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता रही थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें इवेंट्स हैं जो जो कि आपको कनेक्ट करना है विद इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ में, तो इसमें राइट आंसर को क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है आपको, ठीक है, याद देख लेना खुद से एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें मैच दिया गया है और इधर ये लिस्ट दी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए, एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मुजम्मदर, ठीक है, इधर ये है, जैसे कि एनी बेसेंट आपको पता ही है होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना, इसी तरह से आपको ये एक एक दिए हुए हैं तीनों के तीनों, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका पहले, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ध्यान रखना है ए, ए इसका राइट आंसर है। वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे जरूर देखना, फिर उसके बाद अपने आप से चेक करना। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द एक्ट ऑफ 1935, अ कार विच हैज ब्रेक बट नो इंजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू, किसने बोला था ये, डायरेक्ट ऑफ 1935, ए कार विच हैज ब्रेक बट नो इंजन। क्वेश्चन नंबर 35, हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को किसने फॉर्म किया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय ने, ठीक है, किसने किया था, एम एन रॉय ने फाउंड किया था, और ये कब किया था, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, किसने किया था, विनोबा भावे, और कब किया था, 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल, ठीक है, जिसको जिसने किसने बोला था कि ये एक राजनीति क्या है, ब्लैकमेल है, पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, लिंथगो, ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी आप जो भी इसको ठीक लगे वो आप बोल देना, तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने बोला था कि ये जो मूवमेंट है जो गांधी जी के बारे में, इन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल ब्लैकमेल, पॉलिटिकल ब्लैकमेल इन्होंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको भी आपको क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है 39 क्वेश्चन में, तो पहले मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले इंडिया विजिट ऑफ क्रुश्चेव, फिर उसके बाद होगा आपका दलाई लामा, फिर उसके बाद आएगा 3 चोइन लाई विजिटेड इंडिया, ये चाइनीज है, ठीक है, उसके बाद आएगा लिबरेशन ऑफ गोवा, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम का पोर्शन है, क्रोनोलॉजिकल उसमें, आई होप कि आप सबने ये सब पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो प्लीज मुझे फिर कहूंगी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम इन टॉपिक्स को कवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14, हुआ अमंग द फॉलोइंग वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मॉन्यूमेंट एट मलप्पुरम, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पल्लव डायनेस्टी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, पल्लव डायनेस्टी, बहुत ही बहुत सुंदर है ये जगह, तो आप कभी हो तो जाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41, द एंशियंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली, तो इसका राइट आंसर पहले बताई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सैवियत, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है एलिफेंटा, जो कि मोस्टली क्या,
सर एलिफेंटा आइलैंड भी है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, आपको पता ही एलिफेंटा केव जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज अ वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, एलोरा की गुफाओं में, ठीक है, एलोरा केव में है, वो कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ध्यान रखना है, बहुत सुंदर है वो। क्वेश्चन नंबर 43, रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर, कौन सी पुरानी कैपिटल है विजयनगर की, तो इसमें ध्यान रखना है हम्पी, ठीक है, हम्पी का रथ, आपको पता ही है, नोट के ऊपर भी बना हुआ होता है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और कैपिटल क्या थी उसकी, हम्पी, विजयनगर एम्पायर जो थी उसकी कैपिटल हम्पी थी, आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच, देखो रिपीट हो गया 2010 में, सेम यही क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है, ये फिर रिपीट हो गया है, ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो जरूर ही देख के जाए, बहुत रिपीट होती है, एक एक नंबर से जॉब रह जाती है, तो एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉट करेक्टली, इसमें आपका करेक्ट नहीं है डी, बाकी ये सही है, अकबर का टॉम सिकंदरा में, बिल्कुल, जहांगीर का टॉम सहादरा, और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, ठीक है, पिछली बार भी मैंने आपको ये सब बताया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस कहाँ पर है, तो आपको बताना है, सबको पता होगा आई होप, नानकना, ठीक है, कहाँ पर है ये, नानकना, और ये इनका बोर्न कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर डिड महाराजा जयसिंह टू बिल्ट ऑब्जर्वेटरीज, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले मैं आंसर बताती हूँ, ये चारों ही सही है, ठीक है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी, सारे सही है ये, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड द ट्रेडिशनल गणपति फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इनटू अ नेशनल फेस्टिवल एंड गेव इट अ पॉलिटिकल कैरेक्टर, किसने इनमें से जो गणपति जी का फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में होता है उसको ट्रेडिशनल, उसको उस महोत्सव को इन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, किन्होंने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो ध्यान रखना है आपको, और ये कब किया था, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ए। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, किसको, किस को ऑफर किया गया इस मेंबरशिप के लिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइकल मधुसूदन दत्ता। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी चेयर ऑफ संस्कृत वाज फाउंड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में फाउंड की गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है द फर्स्ट यूनिवर्सिटी चेयर ऑफ संस्कृत। चलते हैं, थैंक यू, आज की क्लास आई होप कि आपको ठीक लगी होगी, अगर नहीं लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि इसकी क्या इम्प्रूवमेंट कर सकें, प्लीज लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब, और अगर अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल भी शेयर मत करना, और डिसलाइक करोगे तो डिसलाइक क्यों कर रहे हो मुझे ये कमेंट में भी जरूर बताना, ठीक है, जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा।